नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है पाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंट्री लेने का पहले क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं, देखिए ऑप्शन बाइंग जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रिक्सी भी है, तो ये हम लोग को सबको पता है। जो ऑप्शन बाइंग काफ़ी रिक्सी होता है तो ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वॉल्यूम। अगर आप एंट्री ले रहे हैं ऑप्शन में और उस टाइम मार्केट में वॉल्यूम प्रेशर काफ़ी अच्छा नहीं है तो ये पोजिशन आपका कभी भी फंसा सकता है। देखिए मैं आज को 45,200 का जस्ट एक छोटा सा स्कैल्पिंग का हिसाब से 3 मिनट का चार्ट लगाया हूँ। इसमें ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका बाय का कॉल है, तो जब भी कोई कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऊपर में देखिए लिखा है 125.275 में ये बाय का कॉल बना है। अभी क्वेश्चन ये है, जो ये जो बाय का कॉल बना है इस टाइम आपको दो चीज़ देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उस टाइम मार्केट का ट्रेंड कैसा है। नीचे में देखिए आपको एक रिबन दिखाई देगा जिसका कलर ग्रीन है, मतलब ये आपको बता रहा है जो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नीचे में ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम वाला, ये वाला, ये वॉल्यूम का फोर्स बताता है जो इस टाइम मार्केट में कितना स्ट्रांग फोर्स है। तो देखिए ये जो बार का साइज आपको दिख रहा है ये आपको क्लियर कर रहा है जो यहाँ पर मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम है बाइंग के लिए। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक बायर्स के लिए, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं। अगर बाय कर रहे हैं तो ट्रेंड आपका फेवर में होना चाहिए और उस टाइम मार्केट में वॉल्यूम प्रेशर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मैच है तभी जाके इस कॉल पे आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए विद इन 2 to 3 कैंडल अगर आप देखेंगे, एज पर 3 मिनट का कैंडल में भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू था 136, मैं अगर 136 में भी एंट्री ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 234, मतलब ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूवमेंट किया है। कितना कैंडल पे? विद इन 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल पे ये इतना मूवमेंट हुआ है। मतलब ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज़ है, अगर आप एंट्री सही लोकेशन पे लेंगे, सही वॉल्यूम के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। विद इन 3 to 4 कैंडल आप अपना प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग हार्डली एक्सपेक्ट करते हैं 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, बट यहाँ पे देखिए विद इन 4 कैंडल आप यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट निकाल रहे हैं, डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम प्रेशर। तो वॉल्यूम प्रेशर जितना स्ट्रांग रहेगा आप उतना फर्स्ट यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए। तो होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आया है जो चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जस्ट ये जो नया स्ट्रैटेजी है इसमें दो चीज़ को हम लोग इंपॉर्टेंस दिए हैं, सिग्नल का टाइम ट्रेंड आपका फेवर में होना चाहिए और वॉल्यूम प्रेशर आपका फेवर में होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ मैच होता है तभी जाके आप ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी इस रिगार्डिंग कोई वीडियो देखना है तो चैनल वीडियो का नीचे आपको चैनल का लिंक मिलेगा, चैनल को ओपन कीजिए, काफ़ी सारा वीडियोस मिलेगा, दो चार वीडियो और देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।